हाँ जी, राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी? तो मेरे चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल चैनल पे आपका स्वागत है। और नन्नू रोना नहीं, और नैना मेरी बहुत रो रही है, जिद कर रही है कि मम्मा आपके साथ जाना ही जाना है घास को। और देखिए मौसम दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए इतने काले काले बादल आए हुए हैं ना। मैं इसको मना कर रही हूँ कि नहीं जा, किल्टे में ले आऊँगी मैं नीचे से गोभी आज, ठीक है। तो अभी जा रही हूँ मैं हरा घास लेने के लिए। तो हरा घास वैसे हमने ले आज ना, मैंने काउ शेड का काम पहले कर लिया और अभी हरा घास मैं बाद में लाऊँगी। यहाँ पता नहीं क्या लग गया कड़ा का। तो ये रहा यहाँ पे किल्टा और हरा घास। हमारे जो गोभी हमने लगाई हुई थी ना, उसमें से कई फूल बीच में से होते ना ख़राब हो जाते या कई के पत्ते होते हैं, तो उसको लाऊंगी मैं। तो पशुओं के लिए ना वेजिटेबल्स भी ज़रूरी होती है, फ्रूट्स भी ज़रूरी होते हैं, तो हमारे अपने घर की होती है तो हम वही दे देते हैं। तो चलिए अभी धैर्य जा रहा है मेरे साथ शूट करने के लिए वीडियो, तो देखते हैं कैसे शूट करता है ये। और प्लीज़ गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये नो देता हूँ हाथों में, चलो। तो गाइज ये है हमारे गांव के शाम का कुछ नज़ारा। और देखिए सारे के सारे लोग ना इस टाइम खेत में आए हुए होते हैं खेत का काम करने के लिए। और बस हमने थोड़ा सा ही रास्ते का व्यू लिया और पहुंच चुके हैं देखिए हम खेत में, जहां से हमें लानी है हरी गोभी। जो होती है गोभी के पत्ते गाय के खिलाने के लिए ना अच्छे होते हैं गाइस, हरा देना होता है ना गाय को आजकल, क्योंकि जो जई है वो भी सूखी चुकी है। और थोड़ा सा हमने हरा घास की बिजाई करी थी तो वो भी जो है ख़त्म होने वाला है, लेकिन ज़रा हमारे पशु थोड़े ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लगती है। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है गोभी को काटना शुरू। तो जिनके फूल हम निकाल चुके हैं बेचने के लिए या खाने के लिए, और जिनके पत्ते बचते हैं या फिर जो थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं, ख़राब इन द सेंस मतलब जो खिल जाता है ना फूल, तो वो फिर बिकता नहीं है मार्केट में, तो उनको हम डाल देंगे यहाँ किल्टे में और उसको गाय को खाने के लिए देंगे। गाय बहुत ही चाव से खाती है गाइस। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको मेरी वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जब भी आप यूट्यूब ऑन करोगे वैसे ही आपको मेरी वीडियो सबसे पहले दिख जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे नैना भी आई है मेरे साथ, साथ में आया है धैर्य, तो वो आज मेरी वीडियो शूट करने में हेल्प कर रहा है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ये काम गाइस। ठीक है प्ले कर दी। नहीं ना कि तो मस्ती चल रही थी हमेशा। ये तो नैना के पंख है, नैना तोड़ देगी भाई। नैना तो नैना आप टूट जाओगे, आप टूट गए। नैना नहीं, जितने मैं ऊपर से हूँ ना उतने दिख, ऐसे ऐसे फूल लेने जो सारे काट लेंगे। ठीक है जो दिखेंगे ना मेरे को उतने में दूसरी जगह काटते हैं। ठीक है पॉज।
बारिश होने वाली है। ओके आज रात के टाइम बेड पे पड़ती है, मेरे को नींद आ जाएगी। जब इतना काम जो किया आज, पूरे खेत में पटा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरी माता श्री जा रही हैं और अब मुझे यहाँ गोभी काटनी है। मैं और नैना और मैं यहाँ पर हूँ बस। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी माता श्री इतने देर बाद आई, 10-20 मिनट बाद हम यहाँ बैठे बैठे पक गए। बैठे बैठे मैं नीचे ऊपर जा रहा, नैना नीचे ऊपर चले गए, हम नीचे वाले खेतों में भी घूम फिर के आ गए, लेकिन ये अब जाके आए हुए देखिए। और गाइज उसके बाद मैं आ गई थी दूसरी बारी फिर से केल्टा लेके, और यहाँ पे कुछ ना धैर्य ने काटी हुई थी गोभियाँ, लेकिन ये थी कम और मैंने इसमें कुछ और भी डाली थी। तो बस अभी आ गए थे हम फिर वापस घर को लेके, और धैर्य के पास ये थे मैंने छिट्टे के पुलटे, मतलब जो जलाने के लिए लकड़ियाँ होती है ना, हम जैसे मटर में झम्बे होते लगाए हुए जो छोटे छोटे, तो वो दिए मैंने इसके पास और इसको लेके आ गए थे घर। और उसके बाद गई थी काउशेड, काउशेड का काम करना था मुझे, और मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये भी। तो अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ गाय की मिल्किंग करने के लिए, और प्लीज़ गाय इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आप आधी बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और दिल खोल के अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे शाम का टाइम है और आजकल हमारे अभी भी थोड़ी ठंड है, तो हम पशुओं को जो अंदर ही रख रहे हैं, बाहर नहीं रखते हैं हम अभी शाम को, तो दिन में थोड़ी देर के लिए करते हैं उनको बाहर और उसके बाद फिर अंदर कर देते हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ यहाँ पर मिल्किंग। मिल्किंग करते हुए मैं आपको गाना भी सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना गाना गाने का बहुत शौक है बचपन से।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्णा। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही है, और इससे आगे भी मैंने व्लॉग शूट किया है, वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।